हुसैन बैयत करो या सर दो, तो इमाम ने एक छोटा सा जवाब वलीद के जरिए से यजीद तक पहुंचाया, एक छोटी सी बात वलीद के जरिए से यजीद तक पहुंचाई और कहा कि मुझ जैसा तो जैसे की बैयत नहीं कर सकता, मुझ जैसा तो जैसे के सामने नहीं, मुझ जैसा तो जैसे की पैरवी नहीं कर सकता। आप बैयत को चाहे जितने मानों में इस्तेमाल कर लें, उलमाए कराम बैठे हुए हैं, असातिज़ा जो है वो तशरीफ़ फरमा है, मैं उनकी दुआओं के साए में जो है गुफ्तगू को परवान चढ़ाना चाहता हूँ। ये सब जो है वो माशाल्लाह जानकार लोग हैं और मजलिस से सुनते सुनते ज़माना गुजर गया। आज मैं उसी नहज की एक तकरीर जो है वह आप सबके गोश गुजार करना चाहता हूँ। इंशाल्लाह महजूज़ भी होंगे और मुझे दुआओं से भी नवाजेंगे। आगाज़ कर रहा हूँ। इमाम ने
जो जवाब वलीद को दिया कि मुझ जैसा तू जैसे की बैयत नहीं कर सकता, मुझ जैसा तू जैसे के सामने नहीं झुक सकता। एक छोटे से सवाल के जरिए से मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, और सवाल ये है, तवज्जो रहे हर आदमी की, सवाल क्या है? तो मैं यही तो कहूंगा कि मैं बैयत नहीं कर सकता। लेकिन मेरे अजीजों, वलीद का सवाल था जाती, इमाम का जवाब है सिफाती। नहीं, तवज्जो कीजिएगा, इंशाल्लाह महसूस होंगे आप, इंशाल्लाह उलमाए कराम की दाद आ गई मुझ तक। वलीद का सवाल था जाती, यानी हुसैन, हुसैन बैयत करो या सर दो। इमाम हुसैन को कहना चाहिए था मैं तेरी बैयत नहीं कर सकता, मैं तेरे सामने नहीं झुक सकता। लेकिन इमाम ने कहा क्या? मुझ जैसा तू जैसे की बैयत नहीं कर सकता। मैं कहूंगा मौला सवाल जाती है तो जवाब भी जाती दीजिए ना। कहने लगे जात मिन हैसी, जात कुछ भी नहीं है जब तक सिफात से आरास्ता ना हो। तवज्जो कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, जात की कोई हैसियत नहीं है जब तक जात सिफात से आरास्ता ना हो। क्या है मेरे कहने का मतलब? कहने का मतलब यह है, जब मैं पैदा हुआ था कौन मुझे जानता था? कोई नहीं जानता था। मौला ने एक ऐसा शरफ दे दिया कि सारी दुनिया जानने लगी। तो कहने लगे जात की कोई हैसियत नहीं है जब तक जात सिफात से आरास्ता ना हो। तवज्जो कर रहे हैं ना, वलीद का सवाल है जाती, इमाम का जवाब है सिफाती। मुझ जैसा तू जैसे की बैयत नहीं कर सकता, एक जुमले में मजलिस उड़ जाएगी अगर आपने तवज्जो कर ली। मुझ जैसा तू जैसे की बैयत नहीं कर सकता। मैं कहूंगा मौला जाती सवाल है, जवाब भी जाती दीजिए ना। अजब नहीं हुसैन इब्ने अली आवाज दे कि सवाल अगर इस जमाने से मरबूत होता, नहीं तवज्जो कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, अगर इस जमाने से मरबूत होता तो जवाब भी इसी जमाने का दिया जाता। जाती सवाल का जवाब सिफाती इसलिए दिया गया, चूंकि जमाना जितना तरक्की कर जाए, जितना आगे बढ़ जाए, तुम ये देख लेना सिर्फ बात हुसैन की नहीं है, कहा कोई हुसैनी ऐसा ना होगा जो यजीदी मिजाज की बैत कर ले। मैं तवज्जो करें मैं क्या कह रहा हूं, कहने लगे बात सिर्फ इस जमाने की नहीं है, कहा जमाना जितना तरक्की कर ले, जमाना जितना आगे बढ़ जाए, तुम ये देख लेना कोई हुसैनी मिजाज ऐसा ना होगा जो यजीदी मिजाज की बैत कर ले, यजीदी सिफात की बैत कर ले। क्यों? तवज्जो कीजिएगा, क्यों नहीं कर सकता? इसलिए गौर कीजिए, क्यों नहीं कर सकता हुसैनी मिजाज यजीदी मिजाज की बैत क्यों नहीं कर सकता? इसलिए कि तुम बताओ कोई इलाही रहनुमा ऐसा देखा जो शैतानी रहनुमा की बैत करे? मैं तवज्जो करो मैं क्या कह रहा हूं, कोई इलाही रहनुमा ऐसा देखा जो शैतानी रहनुमा की बैत करे? अगर आदम ने इबलीस की बैत कर ली होती, मैं तवज्जो नहीं कर रहे आप, मैं क्या कह रहा हूं, अगर आदम इबलीस के सामने झुक जाते तो शायद ऐसा मुमकिन हो जाता, मुहालात में से है ये भी, शायद मुमकिन हो जाता कि हुसैन यजीद की बैत कर लेते। अगर इब्राहिम नमरूद के सामने झुक जाते तो शायद ऐसा मुमकिन हो जाता। अगर मूसा फिरौन की बैत कर लेते तो शायद मुमकिन हो जाता। कोई ऐसा इलाही रहनुमा दिखाओ जिसने शैतानी रहनुमा की बैत की हो। भाई आप ज़ियारत वारसा में क्या पढ़ते हैं? अस्सलामु अलैका या वारसा आदम सफ़तिल्ला, अस्सलामु अलैका या वारसा नूह नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या वारसा इब्राहिम खलील अल्लाह। कहते हैं ना, ऐ आदम के वारिस हुसैन आप पर सलाम, ऐ नूह के वारिस हुसैन आप पर सलाम, ऐ इब्राहिम के वारिस हुसैन आप पर सलाम। तो जब आदम न झुके तो वारिस आदम कैसे झुकेगा?
میں توجہ کر رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ایک نعرے صلوات پڑھیں محمد والے محمد پر، توجہ. تو جب آدم نے بیعت نہ کی تو وارث آدم کیسے جھکے گا؟ وارث آدم بیعت نہیں کر سکتا. تو اس لیے میرے مولا نے کہا کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، مجھ جیسا تجھ جیسے کے سامنے نہیں جھک سکتا. آپ بالکل ہمت انگوش ہیں، میری طرح متوجہ رہیں، جو کام ہو رہے ہیں وہ تو ہوتے ہی رہیں گے، میری طرح متوجہ رہیں. آپ نے دیکھا کہ مولا کا یہ جملہ کہ مجھ جیسا، توجہ ہے، لوگوں نے امام حسین کے اوپر ایک الزام لگایا. توجہ سے سنیے گا گفتگو. الزام لگایا، ہمارے متعصبین ہیں کچھ ایسے تعصب کرنے والے، انہوں نے کہا کہ امام حسین جو مدینے سے کربلا گئے ہیں ان کا مقصد حکومت کو حاصل کرنا، یہ اقتدار کے لیے کربلا جا رہے ہیں، یہ حکومت کے لیے کربلا جا رہے ہیں، ان کا مقصد جو ہے وہ حکومت ہے کربلا جانے کا. میں پورے مجمع سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا حسین ابن علی حکومت کے لیے کربلا گئے تھے؟ کیا اقتدار کو حاصل کرنے گئے تھے؟ کیا حکومت کے لیے کربلا گئے تھے؟ بھائی حکومتیں جس کی ٹھوکروں میں رہتی ہوں وہ حکومت کے لیے کربلا جائے گا. تو حکومت کے لیے کربلا نہیں گئے، پھر الزام کیوں لگایا لوگوں نے کہ حسین ابن علی حکومت کے لیے کربلا گئے ہیں، اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. میں آخری فرد تک توجہ چاہ رہا ہوں، بات سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. دیکھیے ایسا ہوتا ہے کہ حکومتیں جو سمٹتی ہیں، یہ الزام کیوں لگایا گیا جواب سنیے، حکومتیں جو سمٹتی ہیں اور حکومتیں جو خلاصہ ہوتی ہیں وہ تین چیزوں کے اوپر، یعنی ہم اور آپ زندگی میں جو بھی کمانا چاہتے ہیں، اچھی جاب اس لیے کرتے ہیں تاکہ اچھا کھانا کھا لیں، ہمارے یہاں اچھی جاب اس لیے لوگ کرتے ہیں، یا آپ کے یہاں جو بھی بزنس ہے وہ اس لیے ہے تاکہ اچھا مکان بنا لیں، اچھا سا لباس پہن لیں، ٹھیک ہے، اچھا اچھا کھانا کھا لیں. اور تم نے الزام کیا لگایا کہ حسین ابن علی حکومت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اقتدار کے لیے کربلا گئے ہیں. توجہ کیجئے گا، حکومتیں تین چیزوں پہ سمٹتی ہیں، تین چیزوں پہ خلاصہ ہوتی ہیں، روٹی کپڑا اور، میں بولیے نا، روٹی کپڑا اور مکان، حکومتیں تین چیزوں پہ خلاصہ ہوتی ہیں. جتنی بھی حکومت سمٹتی ہے وہ تین چیزوں پر، روٹی کپڑا اور مکان. تم نے الزام کیا لگایا کہ حسین ابن علی حکومت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، اقتدار کے لیے کربلا گئے ہیں. بھائی یہ ہم ہیں جو روٹیوں کے محتاج ہیں، بھائی اگر بات سمجھ میں آ جائے تو دعا کرنا میرے حق میں، یہ ہم ہیں جو روٹیوں کے محتاج ہیں، وہ روٹیوں کے محتاج نہیں ہیں، ان کے ماں کے ہاتھوں کی پکائی ہوئی روٹیاں عرش اعظم کی زینت بنتی ہیں. میں نہیں، توجہ ہوئی آپ کی، جیسے میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جیسے پہنچانا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. تم نے الزام کیا لگایا کہ حسین ابن علی حکومت کے لیے کربلا جا رہے ہیں، حکومتیں تین چیزوں پر سمٹی، کیا؟ روٹی کپڑا اور مکان، ٹھیک ہے. آپ نے روٹیوں کی بات سن لی، توجہ ہے، جس کے ماں کے ہاتھوں میں اتنا فیض ہو کہ یہاں کی روٹیاں ادھر جاتی ہوں وہ روٹیوں کے لیے کربلا جائے گا. اچھا جملہ بطور خاص، روٹیوں میں وزن اتنا تھا کہ ادھر سے روٹی جاتی ہے تو ادھر سے سورے آتا ہے، توجہ ہوئی میں کیا کہہ رہا ہوں، اتنا وزن ہے کہ ادھر سے روٹی جاتی ہے تو ادھر سے سورے آتا ہے. یہ معاملہ بالکل چیپٹر کلوز، روٹیوں کے لیے کربلا نہیں گئے. پھر کیا ہے، کہنے لگے اب دو چیزیں بچی، مکان اور لباس. لباس ہم زندگی میں اس لیے کمانا چاہتے ہیں تاکہ اچھا لباس پہن لیں، اچھے سے مکان میں زندگی بسر کر لیں، توجہ ہے میرے عزیزوں. اب کیا لباس کی بات میں کروں، لباس کا ذکر کروں؟ میں سمجھنا چاہتا ہوں کہ آخری والا آدمی کتنا سمجھا ہے، توجہ ہے. کیا لباس کی بات کروں جس کا لباس رضوان لے کے آئے وہ لباس کا محتاج ہے؟ جس کا لباس رضوان لے کے آتا ہو وہ لباس کا محتاج نہیں ہے، وہ لباس کا محتاج نہیں ہے. جملے کی قدر کیجئے گا، وہ لباس کا محتاج نہیں ہے. یہ سب کو پتا ہے پورے مجمع کو، جو لباس لے کے آیا تھا وہ تھا کون؟ وہ تھا رضوان، جنت کی امت کا. اس نے اپنے آپ کو درِ سیدہ پہ کہا کیا،
अना खयातुल हसनैन, मैं हसनैन का दर्जी हूं। मैंने कहा रिजवान एक बात बता, जब हम किसी बड़े दरबार में जाते हैं तो अपना ओहदा बताते हैं। तवज्जो कीजिए मैं क्या कह रहा हूं, जब किसी बड़े दरबार में जाए तो अपना ओहदा बताते हैं। तवज्जो है, डीएसपी साहब बैठे हैं, कोई ऐसा आदमी इनके चैंबर में गया जिसने अपने आप को छोटा बताया हो? तवज्जो करना मैं क्या कह रहा हूं, हम जब भी किसी बड़े दरबार में जाते हैं तो अपना ओहदा सबसे पहले बताते हैं। रिजवान तू दरे सैयदा पे आया तो सही, लेकिन तूने ओहदा क्यों छुपा लिया? भाई ओहदा बताना चाहिए था ना, ओहदा क्यों छुपा लिया? सुनिए, अगर कोई सुबह सवेरे आपके यहां आया और उसने आके दरवाजा खटखटाया, आपने पूछा कि कौन, और वो कहे कि दर्जी हूं, तो लहजा क्या होगा? यही तो कहेंगे सुबह सुबह क्या नींद खराब करने चले आए हैं। लेकिन अगर कोई सुबह सवेरे आके दरवाजा खटखटा दे और आप पूछे कि कौन हो भैया, और वो कहे कि प्रेसिडेंट का पीए हूं, तो लहजा बदलेगा कि नहीं बदलेगा? लहजा बदलेगा ना, हुजूर ओहदों से लहजा बदलता है, लहजा बदलना चाहिए था। रिजवान तू दरे सैयदा पे आया, तूने ओहदा क्यों नहीं बताया? अगर ओहदा बताता तो कल तारीख में लिखा जाता कि दरे अहले बैत पर मलाइका आते थे। आप सब आती नहीं कर रहे, मैं क्या कह रहा हूं, अगर तू ओहदा बताता तो कल तारीख में लिखा जाता दरे अहले बैत पर मलाइका आते थे। रिजवान अपना ओहदा क्यों छुपा लिया? कहा किबला ख्वाहिश तो यही थी कि अपना ओहदा बताऊं, लेकिन मैं क्या करता, सैयदा की जबान पर लफ्ज दर्जी आया था। क़िबला मैं क्या करता, मेरी ख्वाहिश तो यही थी कि अपना ओहदा बताऊं, लेकिन मैंने इसलिए ना बताया चूंकि सैयदा की जबान से जो लफ्ज अदा हुआ था, जब बच्चों ने कहा था मादरे गिरामी कल ईद का दिन है हमारा लिबास कहाँ है, तो कहा था तुम्हारा लिबास दर्जी लेके आएगा। भाई तवज्जो है, लिहाजा फरिश्ते ने उस जुमले की लाज रखी, उस जुमले की लाज रखी। और जुमले की तवज्जो कीजिएगा, जुमले की कदर कीजिएगा मेरे अजीजों, हम इसीलिए अहले बैत का तकाबुल किसी ऐरे गैरे से नहीं करते, ऐरे गैरे से नहीं करते, चूंकि अहले बैत का तकाबुल ऐरे गैरों से क्या होता, अंबिया से भी मुकाबला नहीं हो सकता। जुमला सुनिए आखिरी फर तक, अंबिया से भी मुकाबला नहीं हो सकता। क्यों? इसलिए कि अंबिया वो बोलते हैं जो सच होता है। भाई समझने की कोशिश करना मेरे अजीजों, ये उर्दू अदब पढ़ा हुआ मजमा है, माशाल्लाह शेर व शायरी खूब आती है आपको। हम अंबिया से भी मुकाबला नहीं करते, अंबिया वो बोलते हैं जो सच होता है, अहले बैत जो बोल दे वो सच होता है। जज़ाकअल्लाह। अंबिया, अंबिया हमने कहा ना कि हम अहले बैत का तकाबुल अंबिया से भी नहीं करते, अंबिया वो बोलते हैं जो सच होता है, अहले बैत जो बोल दे। अब दूसरा जुमला मैं आपसे पूछूंगा, जितनी ताकत मैंने अब तक लगाई है वो सब इसी जुमले में जो है वो सूद समेत वापस आ जाएगी। तवज्जो है, अंबिया वो बोलते हैं जो सच होता है, अहले बैत जो बोल दे, अंबिया उधर मुड़ते हैं जिधर हक होता है। नहीं, कोशिश कीजिएगा समझने की, रिवायत आपके हवाले कर रहा हूं। अंबिया उधर मुड़ते हैं जिधर हक होता है, अहले बैत जिधर मुड़ जाए हक उधर हो जाता है। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने कहा क्यों नहीं तकाबुल करते? इसलिए तकाबुल नहीं करते कि अंबिया से भी इनका तकाबुल नहीं होता। आपने मुलादा फरमाया तो उस हुकूमत की बात कर रहे हो कि इमाम हुसैन हुकूमत के लिए करबला गए थे, इमाम इख्तदार के लिए करबला गए थे, हुकूमतें इनकी ठोकरों में रहा करती हैं, ये हुकूमत के लिए करबला नहीं गए। सुनिए, आपने सुना, दो चीज़ें आपने समाप्त कर ली, हुकूमतें कितनी चीज़ों पर खुलासा होती हैं, तीन चीज़ों पर, रोटी कपड़ा और मकान। आपने रोटियों की बात सुन ली, लिबास का जिक्र सुन लिया, अब क्या मकान की बात मैं करूं? भाई हदीसे पैगंबर है ना,
इन्नल हसन अवल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना। हसन हुसैन जवानाने जन्नत के सरदार हैं भाई, जिसका मकान खुद ही जन्नत हो, जिसका मकान खुद ही जन्नत हो है उसे मकान की फिक्र है क्या? वो मकान के लिए करबला जाएगा? वो इख्तदार के लिए करबला जाएगा? नहीं, तवज्जो करना मेरे अजीजों, वो इख्तदार के लिए करबला नहीं गया। क्यों? कभी कभी ऐसा होता है, मुकम्मल गुफ्तगु है आपकी खिदमत में, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीजें विरासत में भी मिलती हैं, विरासतन भी तब्दील होती हैं। आप पूछेंगे कैसे? सुनिए, मैं अगर किसी एरिए का प्रधान हूं तो मैं ये चाहता हूं मेरा बेटा ही मेरी जगह पे बैठे, गलत कह रहा हूं? मैं अगर प्रिंसिपल हूं किसी मदरसे का तो थोड़ी देर के लिए दिल में ख्वाहिश है ना कि मेरे घर के लोग मेरी जगह पे आए, होता है कि नहीं होता? अब आइए इस रुख से भी देखें इमाम हुसैन को। भाई इमाम हुसैन तो तवज्जो, हुकूमत की ख्वाहिश तब करते जब हुसैन के बाबा अली ने कभी दुनिया की ख्वाहिश की होती। तवज्जो कीजिएगा, मैं क्या करूं, एक एक जुमले का जिम्मेदार हूं। हुसैन तो दुनिया की ख्वाहिश तब करते ना जब हुसैन के बाबा अली ने कभी दुनिया की ख्वाहिश की होती। आइए जरा सा नहजुल बलागा उठा के खंगाल तो ले के मौलाए कायनात ने दुनिया की कितनी मजम्मत की है। सुनिए, मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, या दुनिया गुर्री गैरी, ऐ दुनिया जा गैरे अली को धोखा दे, अली तेरे बहकावे में नहीं आएगा, अली तेरे बहकावे में नहीं आएगा। जुमला समाप्त कीजिए। और क्या दुनिया की मजम्मत यहां खत्म कर दी अली ने? कहने लगे नहीं, इन नमत दुनिया का मसलिल हैया, लोगों दुनिया की मिसाल सांप की तरीके से है। क्या? सांप की तरीके से। लयुन मसोहा, जब सांप को छूएगा तो कितना नर्मो नाजुक होता है, कितना जाजिब नजर होता है। एक छोटा सा बच्चा अगर उसके सामने सांप फन को फैला के खड़ा हो तो वो तो यही समझेगा शायद मुझे सलाम करने आया है, शायद मेरी खैरियत पूछने के लिए आया है। लेकिन एक बाहोश आदमी, अकलमंद आदमी जिसे पता है कि सांप में जहर होता है, तवज्जो करो मैं क्या कह रहा हूं, क्या वो दुनिया को हासिल करने की कोशिश करेगा? नहीं करेगा। उसे मालूम है कि सांप में जहर है। तवज्जो, इस पूरे मजमे से बाहर एक आला किस्म का सांप लाके रखिए और पूरे मजमे में इनाम रख दीजिए कि मैं देखता हूं जो भी सांप के सर पे हाथ फेर देगा उसे 5,000 रुपए का इनाम है। है कोई पूरे मजमे में? नहीं, तवज्जो कर रहे आप, मैं क्या कर रहा हूं, है कोई पूरे मजमे में? अच्छा, आप शायद मेरी तरफ देख रहे हैं। कह लगे हुजूर, हमारे अंदर भी ये ताकत नहीं है, चूंकि हमें पता है कि सांप में जहर होता है। मेरे मौला ने क्या कहा? भाई अगर अकलमंद हो, बाहोश हो और ये पता है कि दुनिया में जहर है, तवज्जो करो ना मैं क्या कह रहा हूं, अगर पता है कि दुनिया में जहर है तो दुनिया से राबेता क्यों नहीं तोड़ते? यहां तक दुनिया की मजम्मत खत्म नहीं की मेरे मौला ने। अब सुनिए जुमला, मौलाए कायनात इरशाद फरमाते हैं, कद तलक्तो के सलासा, अली ने दुनिया को कितनी मर्तबा तलाक दे दिया? बोलिए ना, कितनी बार तलाक दिया? 3 मर्तबा। उलमाए कराम बैठे हैं, सातेजा हैं, आप इनसे पूछिए अगर कोई किसी को 3 तलाक दे दे तो रुजू की गुंजाइश नहीं बचती। भाई अब तो 3 तलाक का मसला किसी से छुपा ही नहीं, अब तो सबको पता चल गया 3 तलाक क्या है और तलाक देने वाले की सजा भी मुअय्यन हो गई, अब तो छुपा ही नहीं किसी से। मेरे मौला ने क्या कहा? मैंने दुनिया को 3 मर्तबा तलाक दे दिया, ये ऐसा तलाक है कि रुजू की गुंजाइश नहीं बचती। उलमा से पूछिए, इसे इस्तिलाह में तलाक बाइन कहा जाता है। बाइन का मतलब है कि अब रुजू नहीं कर सकता, अब रुजू नहीं कर सकता। मेरे अजीजों मतलब समझिएगा, समझ के बोलिएगा। इमाम में मौलाए कायनात क्या कह रहे हैं? मैंने दुनिया को 3 मर्तबा तलाक दिया और ये ऐसा तलाक है कि अब रुजू नहीं कर सकता। तो मेरे अजीजों हम तो शरीयत इतनी जानते हैं, क्या शरीयतों के खालिक हुसैन नहीं जानते थे जो जिस दुनिया को मेरे बाबा 3 बार तलाक दे चुके हो? क्या सुन, जिस दुनिया को मेरे बाबा 3 मर्तबा तलाक दे चुके हो, क्या मैं शरीयतों का खालिक ये नहीं जानता
कि मैं उस दुनिया को अपनाऊं भला क्यों। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक सलावत सब मिल के अजमत आले मोहम्मद पे शाह। तवज्जो रहे। तो क्यों कहा? कहने लगे दुनिया को समझो तो सही कि दुनिया है क्या। और इल्जाम कितना बड़ा कि हुसैन इब्ने अली हुकूमत के लिए करबला जा रहे हैं, इख्तदार के लिए करबला जा रहे हैं। तवज्जो कर रहे हैं मेरे अजीजों, मैं क्या कह रहा हूं? इख्तदार के लिए करबला जा रहे हैं। खुदा की कसम, अगर इस जुमले को समझना है जो इमाम हुसैन ने करबला से मदीने से निकलते वक्त इरशाद फरमाया था कि मुझ जैसा तुझ जैसे की बैत नहीं कर सकता, अगर इस जुमले को समझना है तो एक इमाम हुसैन का शबे आशूर का खुतबा है, उसे उठा के पढ़ना। और अगर ये जुमला समझ गए तो ये भी समझ जाओगे कि इमाम हुसैन ने कहा क्या कि मुझ जैसा तू जैसे की बैत नहीं कर सकता। इसलिए कि वलीद का सवाल जाती है, इमाम का जवाब सिफाती है, सिफाती है। और आइए थोड़ा सा शबे आशूर के खुतबे पर इमाम के नजर की जाए ताकि समझ में आए कि करबला है क्या, इमाम हुसैन कहना क्या चाहते हैं। तवज्जो, इमाम हुसैन इरशाद फरमाते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अकरमतना बिन्नबुव्वा। शबे आशूर के खुतबे की पहली लाइन है अकरमतना बिन्नबुव्वा। तवज्जो, इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं? मैं खुदा की तारीफ कर रहा हूं, उसकी हमद कर रहा हूं कि उसने नबुवतों के जरिए से इज्जत दी। किसके जरिए से? नबुवतों के जरिए से इज्जत दी। मैं खुदा की तारीफ कर रहा हूं कि उसने मेरे खानदान में नबुवत रखी। भाई अब भी तो समझ लो, नबी को अपना सब कुछ समझने वालों, नबी के ऊपर जान निछावर करने वालों, इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं? मैं खुदा की तारीफ कर रहा हूं कि उसने मेरे खानदान में नबुवत रखी। इमाम हुसैन ने इज्जत का सबब किसे बताया? नबुवत को। कहा जब तक सबब है इज्जत है, सबब खत्म हो जाएगा इज्जत खत्म हो जाएगी। अगर किसी की पैसे की वजह से इज्जत है तो जब तक पैसा है इज्जत है, पैसा खत्म हो जाएगा इज्जत का भी जनाजा उठ जाएगा। समात ही नहीं कर रहे आप, मैं क्या कह रहा हूं? अगर किसी की ओहदे की वजह से इज्जत है तो जब तक ओहदा है इज्जत है, जिस दिन ओहदा खत्म हो जाएगा इज्जत भी खत्म हो जाएगी। इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं? अकरमतना बिन नबुवा, मैं खुदा की हमद करता हूं कि मैं खुदा की हमद कर रहा हूं कि उसने नबुवतों के जरिए से इज्जत दी। इमाम ने इज्जत का सबब किसे बताया? नबुवत को। कहा जब तक नबुवत है, समझना, जब तक नबुवत है। भाई आपने अजान दी है ना शाम में, अजान में क्या कहते हैं आप? अजान में यही तो कहेंगे अशदवन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह। भाई पूरी उम्मत मुस्लिमा मिलके बताए, तर्जुमा क्या करते हो? मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे या है? भाई तवज्जो करो ना आखिरी पद तक। भाई यही तो तर्जुमा करते हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इमाम हुसैन क्या कह रहे? मुझे अल्लाह ने नबुवतों के जरिए से इज्जत दी। यानी इमाम हुसैन बताना चाहते हैं जब तक अजानों में मोहम्मद का नाम जिंदा है, हुसैन जिंदा है। सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जज़ाकुमुल्लाह। भाई तवज्जो कर रहे हैं, उस जुमले की वजाहत समझते रहिएगा। क्या कहा इमाम हुसैन ने? कहने लगे मुझे अल्लाह ने नबुवतों के जरिए से इज्जत दी, मुझे अल्लाह ने नबुवतों के जरिए से बुलंद किया, मेरे खानदान में नबुवत रखी। तवज्जो है, मेरे खानदान में। अच्छा, क्या शबे आशूर का खुतबा खत्म हो गया? नहीं, खुतबा खत्म नहीं हुआ। तवज्जो रहे एक एक नौजवान की। खुतबा क्या है? दूसरा जुमला है अल्लम तनल कुरान, मैं खुदा की हमद कर रहा हूं कि उसने मुझे कुरान पढ़ाया। समझिएगा लिल्ला, मैं खुदा की तारीफ कर रहा हूं कि उसने मुझे कुरान पढ़ाया। देखिए जैसा पढ़ाने वाला होता है
वैसा ही पढ़ने वाला होता है। समात नहीं की आपने नौजवानों, तवज्जो, जैसा पढ़ाने वाला वैसा ही पढ़ने वाला। आपके बच्चे ने हाई स्कूल पास किया, आप आए हुजूर कोई अच्छा टीचर बताइए, हमने कहा किसी से पढ़वा लीजिए, कहने लगे नहीं, जैसा पढ़ाने वाला होगा वैसा ही पढ़ने वाला होगा। इमाम हुसैन क्या कह रहे हैं, मैं खुदा की तारीफ कर रहा हूं कि उसने मुझे कुरान पढ़ाया। किसने? अल्लाह ने। मेरे अजीजों, तो जैसा पढ़ाने वाला होगा भाई वैसा ही तो पढ़ने वाला होगा। अल्लाह ने हुसैन को ऐसा कुरान पढ़ा दिया, ऐसा कुरान सिखा दिया कि सर नोके के नैजा पे बुलंद है फिर भी तिलावत हो रही है। तवज्जो कर रहे हैं, कहने लगे ऐसा कुरान पढ़ा दिया, चूंकि क्या कहा, अल्लम तनल कुरान, मैं खुदा की हमद कर रहा हूं कि उसने मुझे कुरान पढ़ाया। किसने? अल्लाह ने। तो जैसा पढ़ाने वाला होगा वैसा ही पढ़ने वाला होगा। तवज्जो कीजिएगा मेरे अजीजों, अल्लाह ने जो बरकतें कुरान के अंदर रखी है ना, जो असर कुरान के अंदर रखा है, वही असर अहले बैत के अंदर भी रखा है। तवज्जो कीजिएगा नौजवानों, तवज्जो करना, जो असर कुरान के अंदर है ना, वही असर अहले बैत के अंदर है। आप पूछेंगे कैसे, आइए कुरान से वाजे करूं कैसा असर है। तवज्जो रहे कि एक जुमले के ऊपर, कैसा असर है? इरशाद हुआ, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा हुवा शिफाउन व रहमा। अल्लाह ने कहा मैंने जो कुछ भी कुरान से नाजिल किया वो शिफा है और रहमत है। जो भी नाजिल किया वो शिफा है और रहमत है। पहली आयत तो बड़ी अच्छी थी, सबकी समझ में आ गई, लेकिन दूसरी आयत बड़ी खतरनाक है। गर्मी का एहसास तो नहीं हो रहा आपको? दूसरी आयत बड़ी खतरनाक है, वला यजीदुल जालिमीन इल्ला खसारा। अगर कोई अपना कुरान पढ़ता है तो फायदे में है, और जालिम कुरान पढ़ता है तो नुकसान में है। भाई ये क्या मसला हो गया, ये क्या मसला हो गया? अगर कोई अपना कुरान पढ़ता है, मोमिन कुरान पढ़ रहा है तो फायदा, जालिम पढ़ रहा है तो नुकसान। भाई जब आयत एक है, कुरान एक है, तो जो असर हम पे होना चाहिए वही गैरों पे होना चाहिए। भाई यही तो कह रहा हूं, जो असर हम पे होना चाहिए वही गैरों पे होना चाहिए। ए मेरे अल्लाह, हम तो पहले से ही बदनाम है, इनके यहां 40 पारे का कुरान है, हम तो पहले से ही बदनाम बैठे, तो मेरे अल्लाह ये असर की बात अलग करके क्यों फंसाना चाह रहा है कि मोमिन पे अलग असर होगा, काफिरों पे अलग असर होगा। ये आप तवज्जो नहीं कर रहे मैं क्या कह रहा हूं, मोमिनों पे असर अलग है, काफिरों पे असर अलग है। भाई अगर मोमिन कुरान पढ़ता है तो फायदे में है, और जालिम पढ़ता है तो नुकसान में है। मसला क्या हुआ, तवज्जो रहे मेरे अजीजों, ये बताइए, बारिश अगर हो गई तो जितना पानी गैरों के आंगन में बरसेगा उतना ही हमारे आंगन में बरसेगा, क्यों गलत कह रहा हूं? देखिए बारिश वाली मिसाल यहां सही नहीं है। ये बताइए कि जो लोग माशाल्लाह बुजुर्गान आबे नैसा की खासियत जानते हैं वो दाद देंगे, अगर आबे नैसा बरसेगा तो क्या होगा? कहा इस पानी की खासियत ये है कि अगर सांप के मुंह में जाता है तो जहर बना देता है, सीप के मुंह में जाता है तो गोहर बना देता है। इस पानी की खासियत ये कि सांप के मुंह में जाए तो जहर बना दे, सीप के मुंह में जाए तो गोहर बना दे। अब सुनिए असर, कुरान का ये असर है कि मोमिन पढ़े तो फायदा, जालिम पढ़े तो नुकसान। तो ये तो हो गया कुरान का असर, तो अहले बैत का क्या असर है? अहले बैत तो कुरान एक जैसे है ना, जो असर उसका है वही असर इसका है। तो कुरान का ये असर कि मोमिन पढ़े तो फायदा, जालिम पढ़े तो नुकसान, तो अहले बैत का क्या असर है? तवज्जो रहे मेरे अजीजों, वज्द में आ जाइएगा, अगर असर समाप्त कर लिया तो असर यह है कि अगर खून हुसैन खाक पर गिर जाए तो खाक शिफा। भाई तवज्जो है मेरे अजीजों, कहने लगे असर क्या है? कुरान का यह असर है, अगर मोमिन पढ़ता है तो फायदा, जालिम पढ़ता है तो नुकसान, तो अहले बैत का क्या असर? सुनिए, अहले बैत का यह असर है कि अगर खून हुसैन खाक पर गिर जाए तो खाक शिफा, और यही खून हुसैन इब्ने जियाद के पैरों पर गिर जाए तो नासूर बना देता है।
لاکھوں اللہ. آپ نے ملاحظہ فرمایا خون حسین کا کیا اثر ہے؟ کہنے لگے یہ خون اگر خاک پہ گرتا ہے تو خاک شفا. توجہ رہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اور یہی خون ابن زیاد ملعون کے پیروں پہ گر جائے تو ناسور بنا دیتا ہے, زخم بنا دیتا ہے. اثر دیکھا آپ نے, جو اثر قرآن کا ہے نا وہی اثر اہل بیت اتھار کا ہے. یہ جتنے سننے والے آئے ہیں جو باہر سے ادھر ادھر سے سب آئے ہیں نا میرے عزیزوں, تحفہ لے کے جائیں زندگی بھر کا. خون حسین کا اثر کیا ہے؟ کہا خاک پہ گرے تو خاک شفا. توجہ کرنا کیسی خاک شفا ہے. کہنے لگے اگر مرض لا علاج ہو اور دوا کام نہ کر رہی ہو تو تھوڑی سی خاک شفا چٹا دو. سنیے جملہ, روایت کے سائے میں جملہ کہہ رہا ہوں. اگر مرض لا علاج ہو, دوا نہ کام کر رہی ہو تو تھوڑی سی خاک شفا پلا دو, چٹا دو. مولا اس خاک شفا کا اثر کیا ہوگا؟ کہا اللہ, سنیے جملہ. اور ساتھ میں یہ بھی ہے روایت کہ اگر بچے کی ولادت ہو نا تو ولادت کے فوراً بعد تھوڑی سی خاک شفا زبان پہ لا دو, زبان پہ چٹا دو. مولا یہ بچپن سے کیوں خاک شفا چٹا دے؟ کہا اللہ بچپن سے اس کے دل میں محبت حسین ڈال دے گا. میں توجہ چاہ رہا ہوں میرے جو ایک ایک آدمی کی. کہنے لگے اللہ بچپن سے اس کے دل میں محبت حسین ڈال دے گا. یہ ہے خاک شفا کا اثر. اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے تو اس جملے کو اور سماعت کیجئے, اللہ بچپن سے اسے حسینی بنا دے گا. خاک شفا کا اثر سنیے. اور اگر دوا نہ کام کر رہی ہو تو تھوڑی سی خاک شفا پانی میں گھول کے پی جاؤ. میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, روایت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. تھوڑی سی خاک شفا پانی میں گھول کے پی جاؤ. یہ میرا جملہ نہیں ہے, امام علی نقی کی خدمت میں اللہ صلی اللہ. ایک ایک جملے پہ توجہ. مولا علی نقی کی خدمت میں ایک چاہنے والا آیا. کہنے لگا مولا میرا مرض لا علاج ہے, دوا کام نہیں کر رہی ہے, مولا میں کیا کروں؟ تو امام نے فرمایا تو نے خاک شفا لی؟ تو اس نے کہا مولا خاک شفا تو لی تھی لیکن خاک شفا نے کام نہیں کیا. نہیں سنو جملہ میرے عزیزوں, آپ جسے چاہتے ہیں نا اسے یوں ہی نہیں چاہتے. اہل بیت ہماری محبت کا نام نہیں ہے, اہل بیت انسانیت کی ضرورت کا نام ہے. جملہ سنیے, کیا کہا مولا نے؟ تو نے خاک شفا لی؟ کہا مولا لی تو تھی لیکن خاک شفا نے کام نہیں کیا. کہا خاموش, یا تو وہ خاک شفا نہیں تھی یا تیرا وجود نجس ہے. یا تو وہ خاک شفا نہیں تھی یا تیرا وجود نجس ہے. امام حجرے میں گئے اور جانے کے بعد امام خاک شفا لائے, لا کے پانی میں گھولا, اسے پلایا. جملہ سنیں گے, جیسے ہی خاک شفا پلائی اس نے کہا مولا میں اپنے وجود میں شفا کے آثار پا رہا ہوں. کیا سن رہے ہیں آپ, توجہ ہے. مولا میں اپنے وجود میں شفا کے آثار پا رہا ہوں. اس نے پلٹ کے پوچھا, کہا مولا جب میں نے پی تھی تو کامیاب ہی نہ ہوئی, آپ پلا رہے ہیں تو خوب کام کر رہی ہے, مولا مطلب کیا ہے؟ کہا یہی تو سمجھانا چاہ رہے ہیں, تیرے یہاں نجاست کا تصور ہے, یہاں یطہرکم تطہیرہ کا حصار ہے. ایک صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. ایک اور نعرہ صلوات میں جل کے عظمت آل محمد. سب مل کے عظمت اللہ. اور آپ اگر اس منزل پہ آ گئے اتنی خوبصورتی کے ساتھ تو اس منزل کو میں بڑی آسانی سے نکال کے لے جاؤں گا. توجہ رہے لیکن ایک ایک جملے کے اوپر غور کیجئے, کیا ہے مسئلہ میرے عزیزو سنیے. صرف اثر میں قرآن اور اہل بیت ایک جیسے نہیں ہیں بلکہ برکت میں بھی قرآن اور اہل بیت ایک جیسے ہیں. صرف اثر کی بات نہیں کر رہا ہوں بلکہ برکت میں بھی. جو برکت قرآن کے اندر ہے نا وہی برکت اہل بیت کے اندر ہے. دیکھیے نوجوان اکثر سوچ رہے ہیں کہ برکت کہتے کسے ہیں, برکت ہے کیا؟ توجہ کریں گے میں کیا کہہ رہا ہوں.
बरकत कहते किसे हैं, बरकत है क्या? मेरे अजीजों देखिए, बरकत को खवातीन से बेहतर कोई नहीं बता सकता। क्यों? कहने लगे अगर मेहमान आए और खाना घट जाए तो इसका मतलब है कदम बाबरकत नहीं है, इससे बेहतर बरकत का तर्जुमा नहीं हो सकता। और अगर मेहमान आए खाने में इजाफा हो जाए तो इसका मतलब है कदम बाबरकत है। ठीक है, तो अब बरकत समझ गए आप, बरकत का मतलब है इजाफा, बरकत का मतलब है ज्यादती। तो सिर्फ असर में कुरान और अहले बैत एक जैसे नहीं है बल्कि बरकत में भी एक जैसे हैं। अब इसे कैसे वाजे करें? तवज्जो रहे मेरे अजीजों, मैं कुरान से वाजे करना चाहता हूं कि बरकत में कैसे एक जैसे हैं। तवज्जो रहे, इरशाद हुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लकद काना लकुम आयतुन फी फियतैन इल्तकता। अल्लाह ने कहा दो गुरोह आपस में लड़े, दो गुरोह आपस में टकराए, एक काफिरों का गुरोह था, एक मोमिनों का गुरोह था, एक अल्लाह वालों का गुरोह था। अल्लाह ने कहा जो मेरा गुरोह है ना, जो मेरे लोग हैं, उनके पास मेरी निशानी है। निशानी कैसी है इसे भी कुरान में लिखा हुआ है। इरशाद हुआ यरौनहुम मिसलैहिम रायल ऐन। अल्लाह ने कहा जो मेरा वाला लश्कर है ना, उसके पास मेरी निशानी है। कैसी निशानी? कहा वो है तो कम लेकिन दिखाई दे रहे हैं ज्यादा। मैं तवज्जो नहीं की आपने, मैंने कितनी मेहनत से मेरे अजीजों कुरानी इस्तेलाल किया। कहले क्या? जो मेरा वाला लश्कर है, जो मेरा वाला गुरोह है, उसके पास मेरी निशानी है। कैसी निशानी? वो है कम, है मुख्तसर, लेकिन दिखाई दे रहे हैं ज्यादा, लग रहे हैं ज्यादा। ये कैसे? तो दुनिया हमसे मत पूछे कि अल्लाह वालों को दिखाओ। लिल्ला, समझिएगा समझिएगा, अब दुनिया हमसे मत पूछे कि अल्लाह वालों का तारुफ कराओ, अल्लाह वालों को दिखाओ। भाई मैंने निशानी तो बता दी, अल्लाह वालों का कमाल यह है वो होते कम है। मैं कुरान सुन रहे हैं ना आप मेरे अजीजों, अल्लाह वालों का कमाल यह है वो होते कम है, दिखते ज्यादा है, दिखाई ज्यादा देते हैं। सरकार ये पूरा मजमा इस इंतजार में बैठा है कि अल्लाह वालों को देखे, अल्लाह वालों को तलाश कर रहे हैं हम। भाई सारी दुनिया अल्लाह वालों को ढूंढ रही है कि अल्लाह वाले होते कैसे हैं। देखिए, जहां अगर आपको मतलब समझ में आए तो लबों को जुम्बिश दीजिएगा थोड़ा। मतलब क्या है? कहने लगे निशानी यह है कि अल्लाह वाले बेचारे मुख्तसर हैं, थोड़े से लोग हैं, लेकिन ये दुश्मनों को ज्यादा दिख रहे हैं, दुश्मनों को ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, अल्लाह वालों को तलाश कर रहे हैं। तो आइए मेरे साथ बद्र में, जंगे बद्र में आइए, मैं दिखाता हूं अल्लाह वालों को। मुसलमान कितने हैं? 313। ठीक है, काफिरों का हजारों का लश्कर है। अल्लाह कह रहा डरना मत, घबराना मत, चूंकि तुम हो तो कम। लिल्लाह, तवज्जो करना, तुम हो तो कम लेकिन वहां हजारों के बावजूद दिखाई दे रहे हो ज्यादा। तवज्जो है भाई, बद्र में मुसलमान है 313, काफिरों का हजारों का लश्कर। अल्लाह कह रहा है डरना मत, घबराना मत। भाई मैं कह रहा हूं बद्र वाले अल्लाह वाले हैं, ये बात मैं इस मजमे को कैसे समझाऊं, मैं मजमे को कैसे बताऊं? तो देखिए दो ही तरीका है भाई, या तो ये मानो कि 313 में हर एक एक से ज्यादा है। भाई मतलब इसी तरह से तो जो समझाया जा सकता है, या तो ये मानो कि 313 में हर एक एक से ज्यादा है, जंगे बद्र में अल्लाह वाले हैं ये 313, या ये मानो 313 में हर एक एक से ज्यादा है। अगर ये नहीं मानते तो फिर ये मानो कोई एक ऐसा है जो हर जगह मौजूद है। मैं लिल्ला, समझने की कोशिश करना मतलब को। कहने लगे अल्लाह वालों का कमाल है, अल्लाह वाले इलाही लश्कर ऐसा होता है ये होते कम हैं, दिखते ज्यादा हैं, दिखाई ज्यादा देते हैं। आयत कह रही है यरौनहुम मिसलैहिम रायल ऐन, जो मेरा लश्कर है इसका कमाल ये है, ये है मुख्तसर लेकिन दिखाई दे रहे हैं ज्यादा। तवज्जो करना, कैसे ज्यादा दिख रहे हैं? मैं मेरे अजीजों ये पूरा मजमा इंतजार में है, बद्र में तो अल्लाह वाले हैं, और कहां अल्लाह वाले रहते हैं?
और कहां हम लोग तलाश करें। ये सारा मजमा तलाश कर रहा है कि अल्लाह वाले होते कैसे हैं। भाई अगर अल्लाह वालों को देखना है तो हिजबुल्लाह को देखो। अब मैं देखना चाहता हूं कितने लोग खामोश बैठे, सारा नजारा यहां से जो है वो नजर आ रहा है। तवज्जो करना, मैं आखिरी फर्द तक तवज्जो चाह रहा हूं। क्या कहा? अगर अल्लाह वालों को तलाश करना है तो हिजबुल्लाह को देखो। हिजबुल्लाह खुदा वाले, ये अल्लाह वाले हैं? कहने लगे हां ये अल्लाह वाले हैं। किससे पूछे? कहा इज़राइल से पूछो। मैं थोड़ी तवज्जो कर रहा, थोड़ी तवज्जो। किससे पूछे? कहा इज़राइल से पूछो। इज़राइल बताएगा कि हिजबुल्लाह अल्लाह वाले? ये तो न जाने कब से छुपाए पड़े, ये क्या बताएंगे कि हिजबुल्लाह अल्लाह वाले हैं? इनसे मत पूछो। कहने लगा नहीं नहीं इन्हीं से पूछो। क्यों? इसलिए कि सारा माजरा नेट की दुनिया पे मौजूद है, नौजवान जानते हो आप, और आप नेट की दुनिया पे जाइए, जाके देखिए यूट्यूब पर क्या है। कहने लगे इन्होंने ही तो कहा था कि 13 दिन के अंदर लेबनान पे कब्जा कर लेंगे, इन्होंने ही तो कहा था 13 दिन के अंदर हिजबुल्लाह को शिकस्त दे देंगे, 13 दिन के अंदर लेबनान पे कब्जा कर लेंगे। भाई 13 दिन नहीं, 3 महीना लड़े, 3 महीना, 3 महीना, ये सब शामिल है, 3 महीना लड़े। जब हार के वापस आए, नहीं इतना अदबी जुमला मैंने कह क्यों दिया, हार के नहीं आए, कहा जब मुंह की खा के वापस आए, इतना अदबी जुमला। कह लगे जब मुंह की खा के वापस आए। अच्छा देखिए मीडिया का अपना मिजाज है, वो किसी एक आदमी के पास माइक तो ले नहीं जाते, कहने लगे कभी एक आदमी के पास, कभी दूसरे आदमी के पास, कभी तीसरे आदमी के पास। तो मीडिया ने जब ये वापस आए ना हार के, जब मुंह की खा के वापस आए, तो इज़राइल को मीडिया ने घेरा, कहा भाई तुम तो 13 दिन कह रहे थे, यहां 3 महीना हो गया, ये बगैर जीते वापस चले आए, ये माजरा क्या है? तुम तो उसे धूल चटा रहे थे, लिबनान को, हिजबुल्लाह को धूल चटा रहे थे, है? और ये 13 दिन क्या 3 महीना हो गया बगैर जीते वापस चले आए। अल्लाह वालों की निशानी याद रखिएगा, भूलिएगा मत, अल्लाह वालों की निशानी याद रखिएगा। जब मीडिया ने पूछा सरदार को पकड़ा, भाई तू तो 13 दिन कह रहा था, ये 3 महीना हो गया, ये बगैर जीते वापस चले आए, माजरा क्या है? सरदार का जुमला सुनेंगे, कहा हमें खबर गलत मिली थी कि वो है कम। अगर थोड़ा हौसला हो तो मेरे साथ आइएगा। कहने लगा सरदार ने कहा हमें खबर गलत मिली कि वो है, थोड़ा साथ आइए, मैं अल्लाह वालों को दिखाना चाहता हूं अल्लाह वाले होते कैसे हैं। अल्लाह वालों को भूलिएगा मत, ये होते कम है, भूलिएगा मत, दिखते ज्यादा है। कहने लगा क्या सरदार ने कहा? कहने लगे हमें खबर गलत मिली कि वो लोग हैं कम, वो तो बहुत ज्यादा है, वो तो बहुत ज्यादा है। अच्छा मीडिया वाले भी माने नहीं, सिर्फ सरदार से नहीं पूछा, अब फौज के पीछे आ गए। कहने लगे भाई अगर सरदार भाग आया था तो क्या हुआ, तुम तो ज्यादा थे। भाई आप सारा नेट की दुनिया का माजरा है। कहने लगे सरदार भाग आया था तो क्या हुआ, तुम तो थे ज्यादा, तुम तो मुकाबला कर लेते। कहने लगे हम क्या करते, हम जिधर भागते थे उधर हिजबुल्लाह थी। भाई इतनी मेहनत का, इतनी मेहनत का इतना हल्का रिस्पांस मैंने पहली बार देखा है। तवज्जो करेंगे मेरे अजीजों, अब जुमला समाप्त कीजिए मैं जो कहने चाह रहा हूं। कहने लगे सरदार से पूछा, कहा भाई तू तो 13 दिन कह रहा था, ये 3 महीना हो गया, ये बगैर जीते वापस चला आया, कहा हमें खबर गलत मिली कि वो लोग हैं कम। फौज से पूछा गया भाई तुम क्यों वापस चले आए? कहने लगे हम क्या करते, हम जिधर भागते थे उधर हिजबुल्लाह थी, जिधर जाते थे उधर नसरुल्लाह। बद्र भूलिएगा मत, बद्र भूलिएगा मत, भाई दुश्मन यही तो कह रहा था जिधर भागो उधर अली है। जज़ाकुम अल्लाह।
तवज्जो है। कहने लगे बद्र में दुश्मन यही कह रहा था, जिधर भागो उधर अली, जिधर जाओ उधर अली है। क्यों? अल्लाह वालों को तलाश कर रहे हैं ना। अल्लाह वालों को भूलिएगा मत। इलाही लश्कर का कमाल यह है, ये होते कम हैं, दिखते ज्यादा हैं, दिखाई ज्यादा देते हैं। भाई आप क्या अपने खुद को अल्लाह वाले नहीं समझते? अपने आप को अल्लाह वाला नहीं समझते? भाई अल्लाह वाले होने की निशानी यही तो है, ये हैं कम लेकिन दिखाई दे रहे हैं ज्यादा। पहले दुनिया ये समझती थी कि आजादार सिर्फ मुबारकपुर में रहते हैं, लेकिन आज जब मीडिया ने दिखाना शुरू किया ना, तो ऐसा लगा पूरी दुनिया आजादार हो गई। जिंदाबाद, 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 मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। गौर कर रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। कहने लगे पहले ऐसा लगता था सिर्फ एक जगह आजादारी होती है, आज जब मीडिया ने दिखाना शुरू किया ऐसा लगा पूरी दुनिया में जिक्र हो रहा, पूरी दुनिया आजादार हो गई। जुमले की कदर करना मेरे अजीजों, जितना नौजवानों का काम था वो सब बुजुर्गों ने कर डाला, ठीक है। अब यहां से काम आपके हवाले है, जुमला बतौर खास भाई सुनिए क्या कहने लगे। कहने लगे अल्लाह वालों को तलाश कर रहे हैं, इलाही लश्कर का कमाल यह है, ये होते कम है दिखते ज्यादा है। हुजूर मैंने अल्लाह वालों को दिखाया, बद्र में दिखाया, हिजबुल्लाह को दिखाया, ये ऐसे अल्लाह वाले हैं, ठीक है। अब आइए थोड़ा सा और अल्लाह वालों को देखा जाए। अल्लाह वालों का कमाल ये है, हैं कम दिखाई दे रहे हैं ज्यादा। अगर अल्लाह वालों को ढूंढना है तो करबला आओ। तवज्जो, तवज्जो आखिरी बार तक। अल्लाह वालों को देख रहे हो, अल्लाह वालों को तलाश कर रहे हो। कहने लगे अगर अल्लाह वालों को ढूंढ रहे हो तो करबला आओ। करबला में कितने अफराद हैं? 72, ज्यादा से ज्यादा 104, इससे ज्यादा लोग नहीं है करबला में। अल्लाह वाले काफिरों का हजारों का लश्कर, अल्लाह वाले 104, अल्लाह वाले 72। खुदा कह रहा है डरो मत, घबराओ मत, ये कुछ भी नहीं है तुम्हारे सामने। अल्लाह वालों को कहा तुम डरो मत, घबराओ मत, इसलिए कि तुम ज्यादा दिखाई दे रहे हो। भाई करबला कोई पिछले साल हुई थी? सवाल नहीं कर रहा मैं, क्या करो? करबला कोई पिछले साल नहीं हुई थी, करबला को हुए 1400 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन ये अल्लाह वाले हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं लेते। एक सलावत पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं तवज्जो कर रहे हैं आप। कहने लगे करबला पिछले साल नहीं हुई थी, 1400 साल से ज्यादा हो गए, लेकिन अल्लाह वाले हैं जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ये अल्लाह वाले हैं, ये हैं बड़े कम लेकिन दिखते ज्यादा हैं, ये लोग दिखाई ज्यादा देते हैं। खुदा की कसम अगर रात भर भी ये जुमला पढ़ा जाए तो आप हक नहीं अदा कर सकते इस जुमले का। मैं भी नहीं हक अदा कर सकता कि इलाही लश्कर का कमाल ये है, ये होते कम हैं दिखते ज्यादा हैं। आइए एक रिवायत का सहारा लूं और बात को दूसरी तरफ मोड़ दूं। रिवायत क्या है सुनिए। ये बताइए कि हज पे हर साल कितने लोग जाते हैं? समझते रहिएगा तो दाद आती रहेगी। हज पे हर साल कितने लोग जाते हैं? ज्यादा से ज्यादा 30 लाख, 27 लाख, 35 लाख कर लीजिए। ज्यादा ज्यादा जाने वाले लाखों में करबला कितने जाते हैं? समझिएगा लल्ला। करबला जाने वाले करोड़ों में, हज पे जाने वाले लाखों में। भाई मैं कहता हूं क्या जगह नहीं है वहां पे? ये लोग नहीं जा सकते? कहने लगे भाई जगह तो है, जाने वालों पे एतराज नहीं है, हुकूमत पे एतराज है। अगर तवज्जो हो जाए आपकी, हुकूमत पे एतराज है, क्यों नहीं जाने दे रहे? कहने लगे इसलिए कि सिक्योरिटी की जमानत नहीं है, हम सिक्योरिटी की जमानत नहीं ले सकते। जाने वाले 30-35 लाख, करबला जाने वाले 6 करोड़, ठीक है। मैं सारे करबला जाने वालों से पूछूंगा भाई तुम लोग करबला क्यों जा रहे हो? सारी बरकत वाली चीजें तो हज में हैं।
लल्ला समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, सारी बरकत वाली चीजें तो हज में है। मैंने कहा था ना बरकतों का मुकाबला कर लीजिए, जो बरकत कुरान के अंदर है ना वही अहले बैत के अंदर है, ठीक है, जो असर कुरान के अंदर है वही अहले बैत के अंदर है। बरकत क्या है? मैंने सारे जायरों से पूछा, भाई तुम लोग करबला क्यों जा रहे हो, हज पे जाओ ना, सारी बरकत वाली चीजें तो हज में, रुकने यमानी हज में, हजर असवद हज में, काबा हज में, सई हज में, तवाफ हज में, मीना हज में, सई हज में। भाई मैंने कहा सब तो हज में है, तुम करबला क्या करने जा रहे हो? जायरों का पलट के जवाब आया कि हज में सब तो है, शफाअत करने वाले करबला में है। थोड़ी तवज्जो हो जाए। कहने लगे सारी दुनिया इधर जरूर है लेकिन शफाअत करने वाले वही रहते हैं। अब मेरे अजीजों ज़ियारत का जुमला सुनिए, इरशाद हुआ कि अल्लाह हाजियों पे नजर रहमत करने से पहले करबला के जायरों पे नजर रहमत करता। एक नारे सलवात पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मेरे अजीजों दो तीन जुमले हैं, मैं इसलिए अजादारी को यहां तक लेके आया हूं चूंकि आज की शब का थोड़ा सा हक अदा कर दूं इसलिए लेके आया हूं। और ये बताइए, ये सारी दुनिया जानती है कि करबला की बुनियाद किसने रखी? भाई आज की शब किससे मंसूब है? अजादारी क्यों कर रहे हैं आप आज की रात में? कहने लगे करबला को करबला में महफूज रखने वाली का नाम ज़ैनब है, करबला को करबला में बचाने वाली का नाम ज़ैनब है। तवज्जो करना मेरे अजीजों, दो तीन जुमले हैं, शहजादी मुझे ताकत दे दे ताकि मैं वहां तक पहुंचा सकूं। करबला को करबला में महफूज रखने वाली का नाम ज़ैनब है। मेरे अजीजों सुनिए, अल्लाह ने क्या कहा, तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, कहा ना कुरान में, तुम मेरे जिक्र को कायम करो मैं तुम्हारे जिक्र को कायम करूंगा। फर्क इतना होगा कि तुम मेरा जिक्र करोगे महदूद कुवतों के साथ, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा लामहदूद कुवतों के साथ। तवज्जो है मेरे अजीजों। अब सोचे जिसके ऊपर इतनी मुसीबतों के पहाड़ तोड़े गए हों, इतनी परेशानियां हो, वो करबला में ये जुमला कह रही है, मा रही तो इल्ला जमीला, मैंने कुछ भी नहीं देखा सिवाय खूबसूरती के। क्यों कह रही है? इसलिए मेरे अजीजों जरा उसकी मारिफत तो देखें कि जनाब ज़ैनब की मारिफत कितनी है। अगर मारिफत आप समझ गए तो इस जुमले पे कोई खामोश ना रहेगा। मारिफत बताऊं, मौलाए कायनात बचपन में जनाब ज़ैनब को दर्स देने लगे। तवज्जो कीजिएगा, दर्स देते देते अली ने कहा कि बेटा कहो एक, अल अव्वल, कहा कहो एक, जनाब ज़ैनब ने कहा एक, मौलाए कायनात ने कहा कहो दो, कहा बाबा जिस जबान से एक अदा हो गया दो नहीं होगा। नहीं नहीं समझे मारिफत, नहीं समझे आप मारिफत। कह लगे बाबा जिस जबान से एक खुदा का इकरार कर लिया उस जबान से दो नहीं कह सकती। आप मारिफत देख रहे हैं परवरदिगार आलम की मारिफत कितनी है। और अगर आप यहां तक पहुंच गए तो इस मंजिल को और समाप्त करें, जिसने आजादारी की बुनियाद रखी है, जिसने आजादारी को बचाया है। तवज्जो है मेरे अजीजों, हम ये समझते हैं कि जनाबे ज़ैनब का नाम ज़ैनब के घर वालों ने रखा है। नहीं, कुछ नाम ऐसे हैं जो यहां नहीं रखे गए, जो वहां से आए हैं। अब रिवायत तो सुन ले आप, कुछ नाम ऐसे हैं जो अल्लाह की तरफ से आए हैं। जब जनाबे ज़ैनब की विलादत हुई तो विलादत के बाद जनाबे ज़हरा ने कहा, ए अबुल हसन बच्ची का नाम क्या रखा है? कहा कि मैं नबी पे कैसे सबकत कर सकता हूं, नबी से कैसे आगे बढ़ सकता हूं, लोग पैगंबर अकरम की खिदमत में आए, या नबी अल्लाह बच्ची का क्या नाम रखा है? तवज्जो है, कहा मैं खुदा से कैसे आगे निकल सकता हूं। सवात नहीं कर रहे आप, मैं अल्लाह से कैसे आगे निकल सकता हूं। जिब्राइल अमीन नाजिल हुए, कहा बच्ची का नाम ज़ैनब रखिए। समझे आप मतलब क्या हुआ? कहने लगे नाम यहां नहीं रखा, नाम उधर से आया, नाम उधर से आया। अब तवज्जो यहां से, जो मैं बात पढ़ना चाहता हूं आपकी खिदमत में, नाम वहां से आया, इधर नहीं रखा गया। कैसे नाम रखा गया? देखिए हर मां बाप अपने बच्चे का नाम खुद रखते हैं, कोई और नहीं रखता।
माँ बाप पे दो चीजें फर्ज हैं, एक तो ये कि बच्चे का अच्छा नाम रखें और एक ये कि बच्चे की अच्छी तरबियत करें। ये दो चीजें माँ बाप पर फर्ज हैं। गौर कीजिएगा, अगर आप समझ गए तो जिंदगी भर दुआ दीजिएगा। दो चीजें फर्ज हैं, एक तो ये कि नाम अच्छा रखें, दूसरा ये कि तरबियत अच्छी करें। ये दो चीजें फर्ज हैं। लेकिन हमने क्या देखा कि नाम तो यहां रखा ही नहीं गया। अली का नाम अबू तालिब ने नहीं रखा। सवाद नहीं कर रहे आप, मैं क्या कह रहा हूं। अली का नाम अबू तालिब ने नहीं रखा। जहरा का नाम मेरे अजीजों नबी ने नहीं रखा। अली का नाम अबू तालिब ने नहीं रखा। हसन और हुसैन का नाम अली और जहरा ने नहीं रखा। जैनब का नाम मौलाए कायनात और जहरा ने नहीं रखा। नाम उधर से आया। भाई मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर बच्चे इनके हैं तो नाम अल्लाह क्यों रख रहा है? भाई अगर बच्चे इनके हैं तो नाम तो ये रखे ना, नाम खुदा क्यों रख रहा है? मतलब जिंदगी भर ना समझ पाते। अगर मेरे अजीजों दुआए अरफा का जुमला इमाम हुसैन का मौजूद ना होता, इमाम हुसैन ने एक सलाम कहलवाया, अस्सलामु अलैकुम या आलल्लाह, ए अल्लाह की आल तुम पर सलाम हो। भाई समझे, ए अल्लाह की आल तुम पर सलाम हो, तो भाई जिसकी आल थी नाम भी उसी ने रखा है। भाई सलावत पढ़ ले मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। बहुत तवज्जो। आइए अजीब मरहले में आ गया बिल्कुल, और ये मंजिल ऐसी है, तकरीबन एक घंटा दो मिनट हो गया। देखिए कुछ लोग कहते हैं किबला आपने 45 ही मिनट पढ़ा। देखिए कभी कभी बात अच्छी लगने लगे तो वक्त का पता नहीं चलता कितना वक्त हो गया। लेकिन मेरे अजीजों यहां से 5-10 मिनट की जहमत और है, लेकिन इस मंजिल को अगर मैं समझाने में कामयाब हो गया तो शहजादी का जिक्र है जिसने आजादारी को कायम रखा। मेरे अजीजों जब मैं खुतबे जनाबे जैनब पढ़ने लगा तो मुझे एक चीज मिली, सिर्फ एक चीज यहां पर छेड़ूंगा। वो चीज ये थी कि सारी दुनिया ऐसी है कि अगर उस पर मुसीबतों का पहाड़ टूट जाए ना तो वो ये कहती है, तवज्जो कीजिएगा, वो ये कहती है कि अल्लाह को क्या मेरा ही घर दिखाता, अल्लाह को क्या परेशानियां के लिए मेरा घर दिखाता। मेरे अजीजों लेकिन हमने देखा कि हजारों परेशानियां उसके बावजूद जनाबे जैनब कह रही है मा रही तो इल्ला जमीला, मैंने कुछ भी नहीं देखा सिवाय खूबसूरती के, मैंने कुछ ना देखा। क्यों कहा? इसलिए कि सारी नेमतें अल्लाह ने हमारे ऊपर नाजिल की हैं। सुनिए जुमला, सारी रहमतें कुदरत ने हमारे ऊपर नाजिल की हैं, नेमतें सारी हमारे ऊपर नाजिल की हैं। सारी दुनिया समझती है जिसके पास जितना पैसा हो अल्लाह ने उतनी बड़ी नेमतों से नवाजा है। गौर कीजिएगा, लेकिन जनाबे जैनब क्या बताना चाह रही हैं? कह लगे पैसों का नाम नेमत नहीं है। गौर कीजिए मैं क्या कर रहा हूं, पैसों का नाम नेमत नहीं है। फिर आइए मेरे अजीज, तो थोड़ी सी तशरीह करना चाहता हूं जुमले की। फिर नेमत क्या है जिसे जनाबे जैनब बताना चाह रही हैं? कहा सुनो, नेमत तलाश कर रहे हो, आओ मैं दिखाऊं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वा तसमू बिहब्लिल्लाह जमीयो वला तफर्रकू वज़कुरू नेमत अल्लाह। अल्लाह ने कहा अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो और आपस में तफरकेबाजी ना करो। भाई आप अगर खुतबा सुन रहे हैं तो ऐसे सुनेंगे, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो और आपस में तफरकेबाजी ना करो। अल्लाह की उस नेमत को याद करो जिस नेमत की वजह से तुम आपस में भाई भाई हो गए। भाई वो नेमत कौन सी थी? देखिए सारी दुनिया नेमत समझती है पैसों को, और बीबी क्या कह रही है, नेमत क्या है? कहा जिसने भाई भाई बनाया ना वो जात थी रिसालत की। यानी पैसा नेमत नहीं है, रिसालत नेमत है। तो अब पहली आयत में क्या कहा? रिसालत नेमत। दूसरी आयत है वो जो सब समझते हैं। दूसरी आयत कौन सी है? इरशाद हुआ अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती। अल्लाह ने क्या कहा? मैंने दीन को कामिल कर दिया, नेमतों को तमाम कर दिया। भाई दीन किस दिन कामिल हुआ? गदीर में। किसकी विलायत का ऐलान हुआ? अली की। तो पहली आयत में रिसालत नेमत, दूसरी आयत में इमामत नेमत,
तवज्जो नहीं कर रहे आप, मैं क्या कह रहा हूं। पहली आयत में रिसालत नेमत, दूसरी आयत में इमामत नेमत, अब सुनिए तीसरी आयत वो है जिसमें अल्लाह ने काबे को नेमत कहा, चौथी आयत में कुरान को नेमत कहा। हम नेमतें पैसे को समझ रहे हैं, अल्लाह कह रहा है रिसालत नेमत, इमामत नेमत, कुरान नेमत और काबा नेमत। अब जनाबे ज़ैनब का मफहूम समझिए, कहा नेमतों को तलाश कर रहे हो भाई, सिर्फ मुसल्ले पे दुआ तो करते हो, परवरदिगार उसका रास्ता दिखा जिसपे नेमतें नादिल फरमाई। भाई क्या कहते हो, क्या कहते हो आप नमाज में, यही तो कहते हो नमाज में, ए मेरे अल्लाह उसका रास्ता दिखा जिसपे नेमतें नाजिल फरमाई, उसके रास्ते से बचा जिसपे गजब नाजिल फरमाया। सूरे हम्द में यही तो कहते हो, सिरात अल्लज़ीन अनअमता अलैहिम, अल्लाह उसका रास्ता दिखा जिसपे नेमतें नाजिल फरमाई, उसके रास्ते से बचा जिसपे गजब नाजिल फरमाया। मुसलमान दुआ तो बहुत करता है, नेमत वालों का रास्ता दिखा, लेकिन मेरे अजीजों मुसल्ले पे रह के जहन काम नहीं करता कि नेमतें हैं किसके पास। आइए मैं चारों नेमतों को एक जगह समेटूं और तकरीर का आखिरी जुमला, नेमतें क्या है चार, रिसालत, इमामत, कुरान और काबा, नेमतें हैं चार। तो सिर्फ मुसल्ले पे दुआ ही करोगे कि अल्लाह नेमत वालों का रास्ता दिखा, या तलाश भी करोगे नेमतें हैं किसके पास, किसके पास? भाई तवज्जो करना आखिरी जुमला, नेमतें हैं किसके पास? आइए मैं बताऊं, खामोश मत रहना। चार नेमतें हैं, रिसालत, इमामत, कुरान और काबा, लेकिन चारों नेमतें देखो तो सही है किसके पास? जानू पर रिसालत को बिठाया, नहीं समझदार मजमे के सामने पढ़ रहा हूं मैं, नेमतें चार हैं, जानू पर रिसालत को बिठाया, नस्ल में इमामत को दिया, बेटे की विलादत को काबा और घर में कुरान उतार दिया। भाई सवाल करने में क्या कह रहा हूं, कह लगे नेमतें हैं चार, रिसालत, इमामत, कुरान और काबा। भाई हम मुसल्ले पे दुआ करते हैं, परवरदिगार उसका रास्ता दिखा जिसपे नेमतें नाजिल फरमाई, उसके रास्ते से बचा जिसपे गजब नाजिल फरमाया। अजीब बात है, जब चारों नेमतों को तलाश किया तो एक ही आंगन में मिली जिसका नाम अबू तालिब था। जज़ाकअल्लाह। कहने लगे जब चारों नेमतों को तलाश किया तो एक ही आंगन में मिली, कौन से आंगन में? कहा जिसका नाम अबू तालिब था। अब समझे आप इस जुमले की, जो जनाबे ज़ैनब ने कहा था हम पे अल्लाह ने नेमतों को नाजिल फरमाया है, हम नेमतों के हिसार में हैं। तवज्जो कर रहे हैं ना, हमने खूबसूरती के अलावा कुछ नहीं देखा, नेमतें हैं किसके पास? लेकिन मुश्किल ये है कि मुसल्ले पे तो जरूर कहते हैं अल्लाह उसका रास्ता दिखा जिस पे नेमत नाजिल फरमाई, लेकिन बाहर निकल के कहते वो ईमान नहीं लाए थे। अजीब मसला है मेरे भाई, मुसल्ले पे खड़े होके कह रहे हो उसका रास्ता और बाहर निकल के कहते वो ईमान नहीं लाए थे। भाई क्या मतलब है? मैंने एक जुमला दिन में कहा था, कुरान पागलों के लिए नहीं आया, कुरान अकलमंदों के लिए आया है। कुरान किताबों की तादाद बढ़ाने के लिए थोड़ी आया, कुरान साहिबान अकल के लिए आया है। अब यहां तक आ गए, सिर्फ एक रिवायत की बुनियाद पे कहते हैं, रिवायत कौन सी है? कहा नबी ने कान में झुक के कहा, कहां पर? एक कमरे के अंदर कान में झुक के कहा, चचा कलमा पढ़ लीजिए, चचा कलमा पढ़ लीजिए, आखिरी जुमला है, ज़हमत तमाम है, चचा कलमा पढ़ लीजिए। देखिए हमारे यहां रावियों को ऐसे नहीं माना जाता, हम रावी की नस्ल भी परखते हैं, हम रावी की नस्लों का पता लगाते हैं। किबला मौजूद है, किबला क्या? किबलतैन मौजूद है माशाल्लाह। क्या लगे? सुनिए, हम रावी की नस्लों का पता लगाते हैं, कैसे? हमारे यहाँ है इल्मे रिजाल, इल्मे रिजाल से हम रावियों को समझते हैं, ये रिवायत लेने लायक है या रिवायत लेने लायक नहीं है। रिवायत किसकी है? कहा नबी ने कान में झुक के कहा, चचा कलमा पढ़ लीजिए, माजरत के साथ कह रहा हूं, अगर उसकी उम्र का पता लगाया जाए जो रिवायत नकल कर रहा है, उम्र का पता लगाया जाए तो बड़ा जुगाड़ भी लगा के आया होगा ना, तो शिकमे मादर में है। कोशिश कीजिएगा मतलब समझने की। कह लगे, और रिवायत कब की नकल कर रहा है?
रिवायत कब की नकल कर रहा? सरकार ने कान में झुक के कहा, चचा कलमा पढ़ लीजिए भाई मेरे अजीजों, आखिरी जुमला है, काफिये से काफिया मिलाइएगा और सहमत तमाम छोरा बैठे हुए भाई, काफिये से काफिया क्या मिलाना है? क्या लगे कान में झुक के कहा, चचा कलमा पढ़ लीजिए भाई, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? जितनी कान वाली बातें हैं वो सब याद है, जितनी मैदान वाली है वो सब भूले हुए। बस बस मेरे अजीजों, आपने जैसे समाप्त किया मैं आपका शुक्रगुजार हूं वाकई। कहने लगे दिन वाली तकरीर याद है ना आपको, दुनिया दर अहले बैत से भटक जाती है ना तो जहन काम नहीं करता उसका, जहन काम नहीं करता खुदा की कसम। आप देखिए जरा सा कैसे अहले बैत के दरवाजे से भटक गए। कहने लगे देखिए कभी कभी ऐसा होता है, हर चीज का नुकसान नहीं है, कभी कभी चीजों का फायदा भी होता है। मैं नौजवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं, एक मिसाल है मतलब तमाम है। क्या मिसाल है? कहने लगे हुजूर देखिए हर चीज नुकसानदेह नहीं होती, मोबाइल के जहां हजारों नुकसान है वहां पे एक फायदा भी है। फायदा कैसा है? मेरे जब यहां से कांटेक्ट हुआ, मैं जगह मालूम करने की कोशिश कर रहा था किस मोहल्ले में मजलिस है, तो गदीर साहब से जब मेरी बात हुई तो आवाज साफ नहीं आ रही थी। मैंने कहा हुजूर थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए ताकि बात समझ में आए क्या कह रहे हैं, अगर समझ गए तो दुआ दे दीजिएगा आखिरी जुमला। कह लगे घर से बाहर निकलिए जरा समझ में आए क्या कह रहे हैं। जब वो घर से बाहर निकले और खूब पता बताया, मैंने भी खूब याद कर लिया, तो पता चला कि अगर घर के अंदर नेटवर्क काम ना करे आप समझ गए मजलिस तमाम हो गई, समझ गए मजलिस तमाम, अगर घर के अंदर काम ना करे तो बाहर निकला जाता है। मुझे तारीख वालों का पता ही नहीं चला ये कौन से अफराद थे कि घर के अंदर तो खूब नेटवर्क काम कर रहा था, मैदान में बिल्कुल खाली था। एक सलावत पढ़े ना मिलके मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। आप तवज्जो कर रहे हैं? देखिए बात से बात निकल जाएगी और बहुत वक्त भी हो गया है, लिहाजा मैं बिल्कुल यहां से रफ जहमत कर रहा हूं। और आपने समाप्त किया मेरे अजीजों, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जिन्हें वाकई जिन्होंने इस्लाम को बका दी है, इस्लाम को बचाया है। माशाल्लाह आप क्या तो खूब अशार पढ़े जाते हैं, खूब मतलब समझते हैं आप, सारी सारी रात जो है वो खड़े रहते हैं मरसियों के लिए, नौहों के लिए। इस्लाम को अगर बचाया है ना किसी ने, तो एक पहर मैदान खुम का, एक पहर आशूर का, एक पहर मैदान खुम का, एक पहर आशूर का, दो पहर की धूप से इस्लाम को साया मिला। एक पहर मैदान खुम का, एक पहर आशूर का, दो पहर की धूप से। वाकई मेरे अजीजों ये दो चीजें इस्लाम में ऐसी थी जिन्होंने इस्लाम को जगा दिया, इस्लाम में रंग भर दिया। एक मेरे अजीजों आशूर की धूप और एक गदीर की धूप। लेकिन जरा देखे तो सही, आशूर तक पहुंचाया किसने, आशूर तक लेके आया कौन, कितने मनहूस थे वो हाथ कि जिन्होंने आग तो दरे बतूल पर लगाई थी लेकिन उसके शोले शामे गरीबा तक उठे थे। तुमने अहले बैत को नहीं समझा, तुमने अहले बैत की नहीं मारिफत हासिल की। मैंने दिन में एक जुमला कहा था मेरे अजीजों, हम उतना ना रोते, हम उतना गिरिया ना करते अगर इनके बच्चों को इन पे रोने दिया गया होता, अगर इनके बच्चों को इन पे गिरिया करने दिया गया होता। लोग कहते हैं तारीख से मसायब पढ़िए, तारीख में जो लिखा है वही पढ़िए। देखिए तारीख में मेरे अजीजों हर बात नहीं लिखी, तारीख में इतना जरूर लिखा है कि सकीना को तमाचे लगे, लेकिन किसी तारीख ने यह नहीं बताया कि सकीना को कितने तमाचे लगे। तारीख में यह जरूर मौजूद है कि आबिद बीमार को ताजियाने लगे, लेकिन किसी तारीख में नहीं है कि आबिद बीमार को कितने ताजियाने लगे।
सोगवारों अगर आप रोने के लिए आमादा है तो एक जुमला कहूं, मेरे अजीजों सकीना के गाल पे इतने तमाचे लगे हैं, इतने तमाचे लगे हैं कि इमाम जमाना ने ज़ियारत नाहिया में सलाम कहा, कहा सलाम हो मेरा उस बच्ची पर कि करबला से लेके कूफा और कूफे से लेके शाम तक जिसके रुखसार का रंग बदलता रहा। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे, परवरदिगार तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। मेरे अजीजों आप बिल्कुल आमादा है रोने के लिए, ये शब आज की शब्बेदारी मंसूब है जनाब ज़ैनब से, जनाब ज़ैनब से। मेरे अजीजों आप ज़रा जनाब ज़ैनब के दिल पे एक बार हाथ रखिए, तसव्वुरात की दुनिया में मेरे साथ आइए। जनाब ज़ैनब मेरे अजीजों कितनी शान व शौकत के साथ करबला आई थी आपको पता है, कितनी शान व शौकत के साथ आई थी। ये मेरी माँ बहनें समाअत कर रही हैं, इतना बड़ा मजमा आया है जनाब ज़ैनब को खराज अकीदत पेश करने के लिए। जब मदीने में ज़ैनब ने सुना था कि ज़ैनब तुम्हारे सर से चादर उतारी जाएगी तो ज़ैनब को यकीन नहीं आ रहा था। मैं कैसे लफ्ज़ बयान करूं आपकी खिदमत में, यकीन नहीं आ रहा था। क्यों? इसलिए कि ज़ैनब यही कहती थी जिसके 18 भाई हो, जिसका अब्बास जैसा भाई हो, भला किस में जुर्रत है जो ज़ैनब के सर से चादर उतार ले। लेकिन मेरे अजीजों एक बात कहूं आपसे, आप जरा तसव्वुरात की दुनिया में मेरे साथ आइए, मैं उस मंजिल पे ले जाना चाहता हूं। अरब में जब शादियां हुआ करती थी ना, तो शादी का अब भी रिवाज यही है अरब में कि चौथे दिन शादी के मां जो है वो बेटी को लेने के लिए उसके घर जाती थी, चौथे दिन। सुने, जनाब ज़ैनब का अब्द हुआ, लेकिन इस वादे पे हुआ कि अब्दुल्ला जब ज़ैनब करबला का रुख करे तो रोकना मत, जब हुसैन करबला का रुख करे तो ज़ैनब को मत रोकना। जनाब ज़ैनब का अब्द हुआ, आप समाअत करेंगे मेरे अजीजों, बहुत रोएंगे, इंशाल्लाह उस मंजिल पे आऊंगा। कहा कि ज़ैनब को मत रोकना। जनाब ज़ैनब का अब्द हुआ, अब्द के बाद जनाब अब्दुल्ला के जब घर गई तो शादी का पहला दिन था, जनाब ज़ैनब सारा दिन रोती रही, सारा दिन मुसल्ले से आंसुओं को तर करती रही। मेरे अजीजों आंसू इतने गिरते रहे कि मुसल्ला तर होता रहा। शादी के बाद पहला दिन गुजरा, अब दूसरे दिन का सूरज नमूदार हुआ। ज़ैनब इतना क्यों गिरिया कर रही है, क्यों रो रही है पता है? इसलिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ज़ैनब हुसैन से जुदा हुई है। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे, पहली बार ऐसा हुआ कि ज़ैनब हुसैन से जुदा हुई है। समाप्त करना मेरे अजीजों, शादी का तीसरा दिन गुजरा, इधर क्या कैफियत है कि घर में जनाब ज़हरा की शहादत हो गई। कौन ज़ैनब को लेने जाएगा, कौन ज़ैनब को लेने जाएगा? मेरे अजीजों मौलाए कायनात ने कहा, फिजा तुमने ज़ैनब को माँ की तरह पाला है, ए फिजा ज़ैनब को लेने उसके घर चली जाओ। सुनेंगे जुमला, जब जनाब फिजा जनाब ज़ैनब के घर आई तो क्या देखा, बीबी ज़ारो कतार रो रही है, ज़ारो कतार गिरिया कर रही है। मेरे अजीजों जनाब फिजा करीब गई, कहा ये शहजादी क्यों रो रही है, क्यों गिरिया कर रही है? शहजादी इसलिए रो रही है ना कि मैं आपको लेने नहीं आई, घर से कोई लेने नहीं आया, शहजादी हमें माफ कर दीजिए, शहजादी हम लेने आए हैं। जनाब ज़ैनब का जुमला सुनेंगे, अम्मा फिजा मैं इसलिए नहीं रो रही हूं कि आप मुझे लेने नहीं आई, अम्मा फिजा मैं इसलिए गिरिया कर रही हूं कि आज 4 दिन हो गए मैंने हुसैन को नहीं देखा। खुदाइन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे, अम्मा फिजा 4 दिन हो गए मैंने भैया हुसैन को नहीं देखा। मेरे अजीजों जिस ज़ैनब के दिल में ये तमन्ना हो जो हुसैन से कभी जुदा ना हुई हो, सोचिए मेरे अजीजों जब वो तिल्ले ज़ैनबिया से देख रही होगी और हुसैन के गले पर खंजर चल रहा होगा तो ज़ैनब ने कैसे बर्दाश्त किया होगा। खुदाइन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल करे। मेरे अजीजों शहजादी का अजीब किरदार है, जनाब ज़ैनब का अजीब किरदार है। इमाम हुसैन ने अपनी सारी सारी चीज़ें जनाब ज़ैनब के हवाले कर लें। मेरे अजीज़ों दो रख्सतियाँ बड़ी क़यामत की हैं, एक जनाब अली अकबर की रुख्सती है, जनाब ज़ैनब का यहाँ किरदार देखना, एक हुसैन की रुख्सती है। सुनिएगा जुमला, एक हुसैन की रुख्सती और एक जनाब ज़ैनब की रुख्सती, लेकिन किरदार कैसा है कि लगे दोनों रुख्सतियाँ ऐसी हुई हैं जैसे बार बार खेमे का पर्दा उठता था, बार बार खेमे का पर्दा गिरता था। कह लगे रावी कहता है कि ये दो जनाजे ऐसे जा रहे थे ना जैसे घर से कोई निकल ना रहा हो, घर से जनाजा जा रहा हो। सोमवारों सुनेंगे मेरे अजीजों, जब हुसैन वक्त रुख्सत के लिए आए हैं ना
तो जनाब जैनब ने ख्वाहिश की है, कहा ए भैया एक ख्वाहिश है, ख्वाहिश यह है कि मैं जाने से नहीं रोकती, हाँ लेकिन एक काम करो, हम बीबियां हल्का बना लेते हैं, हमारे दरमियान से गुजर जाओ मेरे अजीजों, हमारे दरमियान से गुजर जाओ। तारीख लिखती है इमाम हुसैन तो गए दरमियान में, लेकिन जैसे ही बाहर निकलना चाहती है, कभी मेरे अजीजों उम्मे कुलसूम रदा पकड़ के मेरे अजीजों बैठ जाती है, ए भैया हमें किसी किसके हवाले करके जा रहे हो, हमें किसके हवाले करके जा रहे हो, हमारी हिफाजत कौन करने वाला, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे सिवाय गम मज़लूम करबला के। मेरे अजीजों बड़ी जिम्मेदारियां हैं जनाब जैनब के ऊपर, बड़ी जिम्मेदारियां हैं। आइए मैं अजीब मसाइब के फिक्रे पे आ गया, जनाब जैनब पे इतनी जिम्मेदारियां हैं। जब इमाम हुसैन ने वक्त आखिर हर बात जैनब को समझा दी, कहा बहन मेरी लाडली है, इससे खबरदार रहना, इसे मेरे सीने के अलावा नींद नहीं आती, जैनब इससे खबरदार रहना। मेरे अजीजों आपको पता है इमाम हुसैन समझाते जा रहे, एक जुमला कहते जा रहे, जैनब रोना मत, जैनब दिल छोटा मत करना, लेकिन जैनब ने पलट के एक जुमला कहा, भैया मुझे तो रोक रहे हो के रोना मत, लेकिन भैया कब से रोए चले जा रहे हो, ए भैया मैं सारी अमानतों की हिफाजत करूंगी, खुदा तुम्हें कोई गम ना दे। मेरे अजीजों अब एक जुमला सुनो, इस जनाब जैनब ने कितना ख्याल किया जनाब इमाम हुसैन की उस शहजादी का, कहने लगे मेरे अजीजों हर एतबार से ख्याल करती रही, लेकिन एक मौका वो आया, अब बर्दाश्त कर सकते हो तो बर्दाश्त करके दिखाओ, एक मौका वो आया कि मेरे अजीजों ये काफिला जिंदान में मुकैद हो गया, सुनोगे जिंदान में मुकैद हो गया। उस जिंदान में कैफियत ये थी कि ना तो छत थी के जो धूप को रोक सके, और ना ही मेरे अजीजों छत थी जो शबनम को रोक सके। मेरे अजीजों जो सैदानियां आई थी ना, जो सैदानियां मदीने से आई थी, साल भर के अंदर उनकी कैफियत ये हो गई कि उन्हें पहचाना नहीं जा रहा था कि ये जैनब है, ये उम्मे कुलसूम है। सैयद सज्जाद ने क्या देखा, सैयद सज्जाद ने एक दिन देखा कि जिंदान में जनाब जैनब बैठ के नमाज पढ़ रही हैं, बैठ के नमाज पढ़ रही हैं। कहा ए फूफी अम्मा, मैंने आज तक इतने मसायब आप पे टूटे, मैंने आज तक बैठ के नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा। जनाब जैनब का जुमला सुनोगे, कहा ए मेरे लाडले, खाना और पानी इतना कम आता है कि बच्चों में तकसीम करते हुए खत्म हो जाता है। आज कितने दिन हो गए जैनब ने कुछ खाया भी नहीं। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। ए मेरे अजीजों आपने सवाद किया, खुदा की कसम ये जनाब जैनब का जिगर था कि जो करबला को भी इस तरीके से महफूज करके लाई है। हमने देखा जनाब जैनब पे वो भी मकाम आया। आपने गिरिए को बंद कर लिया ना, एक जुमला आपसे पूछूं, मेरे अजीजों अगर कोई माँ अपने बच्चों को नहीं रोई है करबला में, तो हमारा क्या फर्ज है, क्या हम उसके बच्चों को ना रोए। मेरे अजीजों क्या देखा जिंदान में, जब सारे सर आ गए ना, तो दो सर ऐसे आए जो चांद की तरह चमक रहे थे। शाम की औरतों ने पता है क्या कहा, जब ये मरे हो तो इनकी माँ जिंदा ना रही हो। जैनब का जुमला सुनोगे, सरो सीना पीट लिया, ए शाम की औरतों ये ना कहो अरे मैं माँ जिंदा हूं लेकिन किस पे रोऊं, अली अकबर का मातम करूं, अब्बास को रोऊं या हुसैन को रोऊं। खुदा इन आवाजों पर रहमत नाज़िल करे। मेरे अजीजों आपने जनाब ज़ैनब के मसाइब सुने, आज की ये शब आपकी मंसूब है रबाब के उस लाल से भी, रबाब के उस लाल से भी जो मेरे अजीजों खुद चल के मक्तल में नहीं गया था, बल्कि वो हुसैन के हाथों पे गया था। सुनो जुमला मेरे अजीजों, आप ज़ियारत करेंगे ना झूले की, दो जुमले मेरे अजीजों सुनना तवज्जो के साथ। खुद चल के नहीं गया था, लेकिन इतना बाशऊर था कि जब इमाम हुसैन की आवाज़ इस्तगासा सुनी ना, तो इसने अपने आप को झूले से गिरा दिया। ये मेरी माँ बहने बैठी हुई है, मेरे अजीजों जुमले को समाप्त करेंगी। जब इमाम हुसैन लेके गए ना, मैं जब मसाइब पढ़ रहा था और मैंने दो तीन चीज़ों की तशरीह पढ़ी, तो जैसे मेरा जिगर फट गया। लिखा हुआ था, आपने कभी तवज्जो नहीं की इस हवाले से, इमाम हुसैन जब मक्तल में गए हैं ना, तो मैंने ये तवज्जो की, ये गौर किया कि हुसैन को जो चीज़ नहीं बतानी चाहिए थी मक्तल में, हुसैन ने वो भी बताया। नहीं समझे आप, मेरे अजीजों जब देखा कि अली असगर को पानी नहीं मिल रहा है, तो कहा ए फौजी अशकिया, इसकी माँ का दूध खुश्क हो गया है। हुसैन को बताना नहीं,
खुश हो गया है। अगर मैं तुम्हारी निगाहों में खताकार हूं तो इस बच्चे ने क्या बिगाड़ा है? सुनेंगे मेरे अजीजो, सुनेंगे आप, बर्दाश्त नहीं कर सकते। हुसैन ने एक जुमला कहा, अमा तरौन कैफ यतलज्जा, ऐ फौजी अश्किया, क्या तुम नहीं देखते मेरा बच्चा कैसे मछलियों की तरीके से तड़प रहा है? सोगवारो, आप साहिबाने औलाद है ना, जुमला सुनो, मेरा बच्चा कैसे मछलियों की तरीके से तड़प रहा है। ए सोगवारो, मेरे अजीजों, मसाइब की दुनिया बड़ी अजीब है, जुमला सुनना। कहने लगे, मछली की जिंदगी पानी है ना, उसे पानी से जुदा किया जाता है तो वो तड़पती है, उसे तलज्जा नहीं कहते। इमाम की जरा मेरे अजीजों मजबूरी तो देखो, उसे तलज्जा नहीं कहते। कहा, जब पानी से जुदा होने के बाद थोड़ी देर तक उसके बदन में थोड़ी सी हरकतें बाकी रह जाती हैं, उसे भी तलज्जा नहीं कहते। मछली की आखिरी हरकत यह है कि बस मुंह को खोलती है और बंद कर लेती है, मुंह को खोलती है और बंद कर लेती है। इमाम हुसैन ने क्या कहा? कहा, क्या तुम नहीं देखते मेरे बच्चे के अंदर इतनी भी ताकत नहीं है कि वो मुंह को खोले रह जाए। खुदाई नवाजों पर रहमत आदिल करे। आखिरी जुमला है मेरे अजीजों, एक दर्द इमाम हुसैन का था जो आपने समाप्त कर लिया, अब एक दर्द मां का सुन लो जहमत तमाम। गहवारे की जियारत करोगे ना, एक दर सुनो मां का। जब मेरे अजीजों जनाबे अली असगर के लाशे को जब रबाब ने देखा ना, तो एक जुमला कहा, एक जुमला कहा, या बुनैया अमिसलो का युनहर, ए मेरे लाल, क्या तुझ जैसे शशमाहे भी नहर किए जाते हैं? क्या तुझ जैसे शशमाहे भी नहर किए जाते हैं? आप नहीं समझे, साहिबा ने औलाद जिगर पे हाथ रखे। मेरे अजीजों, छोटे जानवरों को जिब किया जाता है जिन पे काबू पाया जा सकता हो, लेकिन बड़े जानवरों को नहर किया जाता है, उन्हें जिब नहीं किया जाता। ऊंट को नहर किया जाता है, कैसे किया जाता है? क्या उसकी गर्दन में चाकू मारा जाता है, उसके बाद उसे छोड़ दिया जाता है। मेरे अजीजों, सारे बदन का खून जब गिर जाता है तो वो खुद ब खुद जमीन पर गिर जाता है। रबाब का जुमला नहीं समझे? अरे कौन था जिसके सीने में दिल नहीं था, उसने मेरे लाल को नहर कर दिया। यही वजह है रबाब आखिरी वक्त तक ये समझ ना सकी अली असगर के झूले की जली हुई लकड़ियां अपने दामन में समेट के ले गई। ए मेरे लाल, मुझे माफ कर देना, मां तुम्हारी हिफाजत ना कर सकी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रज़म बिक़ज़ाही व तस्लीम अल-अम्र। मातम हुसैन, जिंदाबाद।